180 फिल्म मेकर्स के बाद नसीरुद्दीन शाह सहित थिएटर और आर्ट से जुड़े 600 से ज्यादा सेलिब्रिटीज ने बीजेपी को वोट ना डालने की अपील की थी। अब अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज को घेरा है जिन्होंने भाजपा को वोट ना डालने की अपील की थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारी बिरादरी के कुछ लोगों ने एक लेटर जारी करके आने वाले चुनाव में वर्तमान सरकार को वोट नहीं करने की अपील की है जिसे जनता ने खुद चुना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो ऑफिशियली विपक्ष के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम अब वो दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। ग्रेट। सभी सेलिब्रिटीज ने एक पत्र लिखकर लोगों से कहा था, अपने वोट का उपयोग कर बीजेपी और उसके सहयोगी को सत्ता से बाहर करें। लेटर में लिखा था, आगामी लोकसभा चुनाव देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। आज नृत्य, गीत, साहित्य और हमारा संविधान खतरे में है। सरकार ने उन संस्थाओं का गला घोट दिया है जहां पर बहस और असहमति की बात होती है। किसी भी लोकतंत्र में सबसे कमजोर और वंचित लोगों को सशक्त बनाना चाहिए। लेटर में लिखा कि कोई भी लोकतंत्र बिना सवाल और बहस और विपक्ष के काम नहीं कर सकता और इन सभी को मौजूदा सरकार ने कुचल दिया है, इसलिए जरूरी है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाला जाए। पत्र के जरिए अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह, मकरंद देश पांडे और अनुराग कश्यप सहित अन्य ने बीजेपी को वोट ना डालने की अपील की है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।